जापान की भी थोड़ी थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताता हूं। जापान जो है वो काफी अच्छा देश है, उसकी हिस्ट्री के अंदर देखने जाए तो 1567 से उसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हुआ ये कि ये जो यूरोपियंस थे, मैंने आपको बताया कि वो लोग इंडिया का एक नया ट्रेड रूट जो है वो फाइंड कर रहे थे, जो इनको मिला 1498 में। हमने देखा सबसे पहले वास्को डी गामा यहाँ पे आए, 1498 में इंडिया का रूट जो है वो मिल गया। ये लोग आगे भी तो जाएंगे ना, फिर हमने देखा कि आगे फिर साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचते हैं, तो 1550 तक ये पहुंच गए साउथ ईस्ट एशिया से कहां तक, जापान तक। कहां तक, जापान तक। इनको दो चीजों की जरूरत है, दो। पहला हमने देखा स्पाइसेस, पहला स्पाइसेस, तो उसकी रिक्वायरमेंट कहां पे खत्म होती है, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। दूसरी कौन सी चीज, सिल्क। दूसरी कौन सी चीज, सिल्क। व्हाई, सिल्क प्रोवाइडेड देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंटर। हम ज्यादातर गर्मी में रहते हैं ना, तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। वो लोग नवंबर टू फरवरी पूरा यूरोप जो है वो बर्फ से ढका हुआ है, उन लोगों को सिल्क की जरूरत है ताकि जो ठंडी हवा है वो बॉडी तक पहुंचे नहीं। कॉटन के कपड़े में ये नहीं होगा, सिल्क के कपड़े जो है वो ठंडी हवा को रोकेंगे बॉडी तक पहुंचने। उनको किसकी जरूरत है, सिल्क, जो कहां पे मिलता था, चाइना में। सिल्क प्रोडक्शन कहां पे चालू हुआ, चाइना में। चाइना तक तो जाना ही था, चाइना के बाजू में जापान, तो यहां पे भी ये लोग जाते थे। अब कोई भी यूरोपियंस आपके देश में आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब वो आएंगे तो कौन से चेंजेस आएंगे। जब कोई विदेशी प्रजा आपके देश में आती है तो क्या चेंज होता है, कल्चरल चेंज। क्या चेंज होता है, कल्चरल चेंज। आपका दोस्त 5 साल के बाद कनाडा से या यूएस से आया आपसे मिलने, ठीक है, और आप दोनों खाने के लिए गए और आप ऐसे पूरा हाथ से ऐसे पूरा लगा के ऐसे बाल्टी भर के आप खा गए, तो वो आपको कहेगा कि कैसे खा रहा है तू, ऐसे थोड़ी खाते। वो आपको डिसिप्लिन सिखाएगा कि देखो ऐसे चम्मच पकड़नी, ऐसे फोक पकड़ना और ऐसे काट के फिर खाना है कि नहीं, कल्चर। जब कोई विदेशी प्रजा आती तो वो क्या चाहता है कि हमारा कल्चर उसमें बदलाव आए, सामने वाला चाहता है कि हम उसका कल्चर जो अडॉप्ट करें। अब इन लोगों को कल्चर से कोई मतलब नहीं था, किनको, यूरोपियंस को। ये कल्चर की जगह क्या बदलना चाहते थे, धर्म, कि सामने वाला रिलीजियस कन्वर्जन में आ जाए। अगर रिलीजियस कन्वर्जन में आ जाएगा तो ये हमारे लिए दो काम कर सकते हैं, पहला लड़ाई कर सकते हैं, दूसरा कल्चर भी बदल सकते हैं। पहला काम लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में किसी को अगर लड़वाना है तो मुद्दा क्या था, धर्म। लोग लड़ते किस नाम पे थे, धर्म के नाम पे। तो इनका रिलीजियस कन्वर्जन कराओ। तो यूरोपियंस जहां पे भी जाते थे, पर्पस क्या था उनका, ट्रेड का, बट अपने साथ क्या लेके जाते थे, क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज। ये समझ में आया, भारत में भी लेके आए थे ना क्रिश्चियन मिशनरीज। सबसे ज्यादा कौन क्रिश्चियनिटी चिल्ला रहा था, पोर्टुगीज। ये लोग यूरोपियंस गए जापान में और वहां पे जाके अपना धर्म फैलाना स्टार्ट किया। जैपनीज जो है वो अवेकंड थे, उनको पता था कि ये लोग क्या करना चाहते। जैपनीज ने मना कर दिया कि हमको आपका धर्म नहीं चाहिए। अरे बोले, हमारे यहां पे मतलब हेवन में पहुंचाएंगे आपको, तो हमको कोई हेवन नहीं चाहिए। बोले कि हेवन आफ्टर डेथ, तो हमारे यहां पे जीते जी हेवन है, हमको डेथ के बाद कोई हेवन नहीं चाहिए। हेवन का कंसेप्ट जो है ना, अगर आप ध्यान से पढ़ो, मतलब ओरिजिनल जो धर्म है उसमें तो ऐसा कहीं पे मेंशन होगा ही नहीं, लेकिन ये जो इन लोगों ने चर्च के फादर वगैरह ने जो फैलाया यूरोप के अंदर हेवन का कंसेप्ट, उसको आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा ये लोग लोगों के इंटरेस्ट को कैसे अट्रैक्ट करते हैं। हेवन का डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा है कि हेवन में वाइन की नदियां बहती हैं, वाइन की नदियां। वाई, यूरोप में है, वहां पर ठंड बहुत ज्यादा है, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने के लिए उनके लिए वाइन जो है वो एसेंशियल है, तो इसलिए इंटरेस्ट जोड़ दिया लोगों का कि वाइन की नदी है, बाल्टी भर के पियो। ये चीज इस्लाम नहीं कहता, ये चीज इस्लाम नहीं कहता। क्यों, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, बॉडी टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है,
तो जन्नत की कॉन्सेप्ट में फूलों के बगीचे हैं, जन्नत के कंसेप्ट में फूलों के बगीचे हैं। हमारे यहाँ पे किसी किसी चीज की कमी नहीं, हमारे लोगों का मन जो है वो बहुत ही अशांत है। तो हमारे यहाँ पे अप्सराओं का कंसेप्ट है, स्वर्ग में अप्सराएं होती है कि नहीं? हाँ, मेनका, ऋषियों का भी मन बहला दे ऐसी है कि नहीं? हर धर्म ने अपना जो कंसेप्ट बनाया है वो अपने लोगों को ध्यान में रख के बनाया है। बाकी आपको लगता है कि सही में कोई धर्म ऐसा कहता होगा कि भी हेवन में जाओगे और वाइन पियोगे? कोई नहीं कहता। समझ में आई ये बात? तो जापान के लोगों को ये समझ में आ गया कि ये हमारे कुछ काम का नहीं। 1567 में जापान ने रॉयल ऑर्डर पास कर दिया कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो यूरोपियन विल बी अलाउड टू एंटर इनटू जापान एक्सेप्ट डच। कि हमको जो भी सामान वगैरह चाहिए तो वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्ट रहना है तो हम दोनों के बीच में मीडिएटर रहेंगे सिर्फ डच। 1567 से 1853 जापान आइसोलेटेड था, कोई वर्ल्ड ट्रेड रिलेशन ही नहीं किसी के साथ, ओनली एंड ओनली एक मीडिएटर डच। ये उनकी सबसे बड़ी कमी भी बना जापान की, 1853 तक आइसोलेटेड रहे, सबसे बड़ी कमी बना। क्योंकि इसी टाइम के दौरान वर्ल्ड में मेजर चेंजेस आए, मेजर, ब्रिटेन में आए, फ्रांस में आए, जर्मनी में आने वाले, इंडिया में आए, चाइना में आए, अमेरिका में आए, इसी टाइम के दौरान। तो ये सब चीजें जापान को पता ही नहीं, ये सब चीजें जापान को पता ही नहीं। और 1853 में जापान में एंट्री होती है अमेरिका की। जापान में अमेरिका की एंट्री क्यों होती? तो अमेरिका आजाद हुआ 1783 में, ठीक है, 1783 में। तो अमेरिका को अगर दुनिया के साथ रिश्ते बनाने हैं तो दो रास्ते हैं ना, एक अटलांटिक ओशन से जाओ और एक पैसिफिक ओशन से जाओ। अब अटलांटिक ओशन वाला रास्ता जो ये यूरोपियंस ने बंद करके रखा है, कोस्टल एरिया पे सब जगह उनकी कॉलोनी, ट्राइंगुलर ट्रेड सालों से वहीं पे करते आ रहे, तो दूसरा रास्ता कौन सा? पैसिफिक। तो पैसिफिक वाला रास्ता सबसे पहले कहां पे खुलता है? जापान में। 1853 में अमेरिकन्स की एंट्री हुई कहां पे? जापान में। पकड़ पकड़ के मारा जापानीज को, और यहीं से जापान के अंदर बुद्धि जागी कि क्यों हम हारे, डिफीट, व्हाई वी आर डिफीटेड। तो उन्होंने खुद का इंट्रोस्पेक्शन किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन थियरी जापानीज लेके आए कि हम क्यों हारे, बिकॉज वी वर डिटैच फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंस 1567। तुरंत एक डेलीगेशन बनाया, 14 साल तक उनको भेजा कि जाओ वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप। बहुत सारे मेंबर्स थे डेलीगेशन के, वो सब लोग 14 साल तक कहां पे रहे? यूरोप में। 14 साल के बाद वापस आए 1868, और फिर 1868 में आके बताया कि ये चीजें हुई, इकोनॉमी बदल चुकी है, कैपिटलिज्म आ चुका है, पॉलिटी बदल चुकी है, पार्लियामेंट आ चुकी है, एजुकेशन बदल चुका है, रैशनलिज्म आ गया है। बस तीन चीज, पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन। और 1868 से 1894 जापान ने सिर्फ अपने ऊपर फोकस किया, नाउ वी विल मेक मॉडर्न स्टेट ऑफ जापान, मॉडर्न स्टेट। इकोनॉमी डेवलप हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, एजुकेशन डेवलप हुआ, पॉलिटी में चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन आया, मोनार्क वॉज रिप्लेस विथ प्राइम मिनिस्टर। और 1894 में इतने स्ट्रांग हो गए, सबसे पहला अटैक चाइना के ऊपर, पड़ोसी, फर्स्ट सीनो जैपनीज वॉर 1894-95, और चाइनीज के ऊपर, चाइनीज को पकड़ पकड़ के मारा, जापान की कॉलोनी चाइना के ऊपर। अब जापान चाहता है कि जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड जो है यूरोप, वो किस तरफ बढ़ रहा है? ईस्ट की ओर। यूएस वेस्ट की ओर बढ़ना चाहता था, जापान ने क्या, जापान के लिए ईस्टवर्ड साइड देखने जैसा कुछ है ही नहीं, पैसिफिक ओशन है, तो कहां पे एक्सपांशन करेगा? वेस्टवर्ड्स। वेस्ट में सबसे पहले कौन आता है? चाइना, फिर नीचे जाएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया, फिर इधर आएंगे तो इंडिया। तो अब जापान का एक्सपांशन इसी तरफ होगा ना, समझ में आई ये बात? इसलिए जापान को कहा जाता है इंपीरियलिस्ट जापान। दो लोगों को इंपीरियलिस्ट कहा जाता है, यूएस को, जापान को, इंपीरियलिस्ट। वो भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, इंपीरियलिज्म क्या होता है। तो इंपीरियलिस्ट जापान, वो चाहता है कि वेस्टवर्ड एक्सपांशन, ये पूरा एशिया जो है उसके ऊपर मेरा कब्जा हो,
शुरुआत में चाइना को हरा दिया, थोड़ा फॉर्म में आ गए, फिर ये छोटी मोटी जो आइलैंड साउथ ईस्ट एशिया के हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया, थोड़े और फॉर्म में आ गए। एक हद से ज्यादा जब फॉर्म आ जाता है ना तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। जापान के साथ भी यही हुआ। तो 1940 में बोले सेकेंड सीनो जैपनीज वॉर, चाइना को फिर से हराएंगे, पूरे चाइना पे कब्जा। इस बार यूएस ने धमकी दी कि देखो बंद हो जाओ, आपसे बड़े इंपीरियलिस्ट हम हैं, अगर कब्जा करना है तो हमसे पूछे बिना नहीं करेंगे, नहीं तो पूरे वर्ल्ड का सैंक्शन लगवा देंगे आपके ऊपर। जापानी इतने फॉर्म में थे, इतने फॉर्म में कि हमको कोई यूएस वगैरह से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको जो करना है करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यूएस ने जापान के ऊपर सैंक्शन लगाए कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आवर एलाइड नेशंस विल नॉट मेंटेन रिलेशंस विद जापान, हमारे जो एलाइड नेशंस है वो जापान के साथ रिलेशन नहीं रखेंगे। जापान ने कहा कि आपकी इतनी बड़ी हिम्मत, हमसे इतना सा देश है जापान, हमसे आप पंगा लेंगे। 1941 अटैक ऑन पर्ल हार्बर, अटैक ऑन पर्ल हार्बर। अब यूएस सो रहा था शांति से और जोर से किसी ने आके लगाई, तो वो बंदा उठ के देखेगा नहीं कि अहिंसा परमो धर्म, वो बंदा सीधा मारेगा। ठीक है, टाइम आने पे इसको बताएंगे। और फिर 1945 बस एक हाथ मारा, आज तक दुनिया डर रही, इंक्लूडिंग जापान। समझ में आई ये बात? तो जापान का डाउनफॉल, अपब्रिंगिंग, फिर डाउनफॉल। ये समझ में आया एवरीवन?